है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है कि कोल्ड स्टार्ट क्या होता है, कोल्ड स्टार्ट की मीनिंग क्या होती है, और कार के लिए विंटर सीजन में कोल्ड स्टार्ट क्यों ज़रूरी है कार एंड बाइक के लिए। तो गाइस, उसी के ऊपर आज की वीडियो रहने वाली है। लोगों का बहुत बड़ा मिथ होता है और उनकी गंदी हैबिट होते हैं, वो क्या करते हैं विंटर के सीजन में अपनी कार और बाइक को स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही सडनली उसको क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से रैप करते हैं या एक्सीलेट करते हैं, जिसके कारण गाइस कहीं ना कहीं उनकी कार में काफ़ी वियर एंड टीयर आउट होता है और काफ़ी लोगों की कार्स में इंजन में भी डैमेज हो जाता है। तो गाइस, कोल्ड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, जब विंटर सीजन में जब कभी भी अपन अपनी बाइक या कार को स्टार्ट करते हैं, या 10-15 दिन से कार आपकी खड़ी रहती है विंटर सीजन में, और या फिर मतलब डेली आप स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में, तो विंटर सीजन में गाइस ये हैबिट होनी चाहिए बेस्ट ड्राइवर के लिए कि वो अपनी कार को विंटर सीजन में पहले कोल्ड स्टार्ट करे 4 से 5 मिनट। तो गाइस, कोल्ड स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है? तो गाइस, होता क्या है, विंटर सीजन में जब आप अपनी कार को 10-15 दिन के अंदर या डेली मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, तो गाइस क्या होता है, जो आपके इंजन का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो चला जाता है, और जो आगे के कंपार्टमेंट होते हैं उसमें क्या होता है गाइस, आगे के कंपार्टमेंट में काफ़ी इंजन पार्ट्स होते हैं जो कि इंजन ऑयल बेसिस पे काम वर्क करते हैं। तो गाइस, होता क्या है, जब आप अपनी कार 10 से 15 दिन के लिए खड़ी कर देते हो या फिर 1-2 दिन बाद उसको स्टार्ट करते हो विंटर सीजन में, तो होता है क्या, आपका इंजन, कार का इंजन काफ़ी स्मार्ट होता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है जो कि सर्कुलेट होता रहता है पूरे इंजन के पार्ट्स में, तो क्या करता है, वापस से जाके जो नीचे इंजन ऑयल चैम्बर होता है कार के नीचे, वापस से उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। तो गाइज, आप जब 10 से 15 दिन बाद आप अपनी कार को स्टार्ट करते हैं या 1-2 दिन के बाद स्टार्ट करते हैं विंटर सीजन में, तो गाइज़ जो वापस से जो इंजन ऑयल होता है वो सर्कुलेट होने में, पूरे इंजन पार्ट्स में सर्कुलेट होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो लोग, काफ़ी लोग क्या करते हैं गाइज़, वो विंटर सीजन में स्टार्ट करने के बाद कार को सडनली रैप करते हैं, जो कि बहुत गंदी हैबिट है, और कुछ टाइम बाद आपका इंजन काम मांग सकता है और आपका कार का इंजन सीज भी हो सकता है। काफ़ी लोग विंटर सीजन में कार को स्टार्ट करने के बाद तुरंत जब रैप करते हैं, तो इस कंडीशन में आपका इंजन सडनली एक्टिवेट नहीं हो पाता है, उसको 4 से 5 मिनट चाहिए होती है नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत लो जा चुका होता है विंटर सीजन में। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, सडनली जब स्टार्ट करके रैप करते हैं तो ठीक से इंजन के अंदर इंजन ऑयल होता है वो सर्कुलेट नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं इंजन के अंदर वियर एंड टीयर आउट होता है, और कुछ टाइम के बाद आपको वो देखने को मिल सकता है। मैं आपको कार के अंदर चलकर प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो गाइस, सपोज़ करो ये मेरी कार है और ये 10 से 15 दिन के से स्टार्ट नहीं हुई है, या फिर विंटर सीजन में मान लो आप मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हो कार को, तो गाइस आपको करना क्या है, पहले की से कार को ऑन करना है, फिर इसमें स्पीडोमीटर में चेक कर लेना कोई वार्निंग लाइट या कोई लाइट दिखा तो नहीं रही, कोई इशू वगैरह तो नहीं दिखा रहा, उसके बाद आपको कार स्टार्ट करनी है। तो गाइस, आप नोटिस करना, अभी तो क्या है, ये मेरी कार मॉर्निंग का टाइम नहीं है और मैंने इसको काफ़ी बार स्टार्ट कर चुका और ड्राइविंग कर चुका, तो ये जो मेरी RPM की सुई है स्टार्ट करने के बाद जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके ऊपर ही आ रही है। लेकिन गाइस, जब आप सुबह सुबह स्टार्ट करोगे तो आप नोटिस करना, जो आपके कार की RPM सुई है ये 1000 से लेके और 2000 के बीच में होगी, क्योंकि उस टाइम आपका इंजन काफ़ी नॉइज करेगा और वो उस टाइम नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं होगा, इस वजह से आपकी RPM सुई काफ़ी ऊपर जाएंगी। इस केस में क्या करना है, आपको 4 से 5 मिनट आपके कार को स्टार्ट छोड़ देना है, उसके बाद जब आपके कार का इंजन नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा तो गाइज नोटिस करना, आपकी जो RPM सुई है वो 700 से 800 के बीच में आ जाएगी। इसका मतलब कि आपका कार का इंजन नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है और आप कार को ड्राइविंग करने के लिए रेडी हो। तो गाइज, विंटर सीजन में ऐसा कुछ होता है और आपको 4 से 5 मिनट कार स्टार्ट करनी है, तब तक कि जब तक आपका इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल ना आ जाए। और गाइज, आप इसको कोई एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हो, जैसे सपोज करो गाइज कोई ह्यूमन बॉडी है और वो स्लीपिंग मोड में है,
और आप सडनली इसको कोई वर्क दे देते हो तुरंत उठा के, तो गाइज वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो गाइज उसको उठने के बाद कुछ रिलैक्स ही होगा, उसके बाद वो कुछ एक्टिवेट हो पाएगा, फिर रिलैक्स हो पाएगा, उसके बाद कोई काम कर पाएगा। अगर अचानक उसको आप सोते हुए को उठा के कुछ काम दे दोगे तो वो इजीली नहीं कर पाएगा। कई ह्यूमन को कुछ पेन होगा या हेडेक होगा। तो गाइज ऐसे ही ये जस्ट इंजन है, अगर आप इसको अचानक विंटर सीजन में स्टार्ट करते ही उसको सडनली रैप कर दोगे या एक्सेलेट करोगे तो कहीं ना कहीं बिना इंजन ऑयल के जो कई पार्ट्स होते हैं इंजन के जो ल्यूब्रिकेशन का के बिना के ऊपर वर्क करते हैं, अगर ठीक से उन पार्ट्स के अंदर इंजन ऑयल का ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा और पूरे इंजन ऑयल में सर्कुलेट नहीं होगा इंजन ऑयल, तो गाइस वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं कार के अंदर बहुत बड़ा वियर एंड टीयर आउट हो सकता है। तो गुड हैबिट यही है कि आप विंटर सीजन में जब भी अपनी कार या बाइक को स्टार्ट करो तो सबसे पहले 4 से 5 मिनट उसको कोल्ड स्टार्ट रहने दें, ताकि जो इंजन की RPM सुई है वो 700 से 1000 के बीच में ना जाए और जो आपके कार का इंजन का टेम्परेचर है वो नॉर्मल ना आ जाए, तब तक उसको आप कोल्ड स्टार्ट रखना है। तो गाइस ये जो गुड हैबिट है वो आपके कार के इंजन को या अपनी बाइक के इंजन को कहीं ना कहीं अच्छी लाइफ बढ़ा देगी। और जो गाइस जो पहले के कार के इंजन होते थे, जो ओल्ड कार्स के इंजन होते थे और डीजल इंजन होते थे, उनके लिए ये बहुत ही बहुत ज़रूरी रहता था और वो कभी ना कभी दिक्कत करते भी थे विंटर सीजन में। लेकिन गाइस आज के टाइम में जो इंजन है, कार्स के इंजन है, वो काफ़ी स्मार्ट हैं और उनके अंदर ECU इसीलिए दिया होता है ताकि ECU उनको ECU इंजन को कमांड देता है कि विंटर सीजन में थ्रोटल कितना ओपन रखना है, कितना बंद रखना है। तो इसका कारण आज के टाइम में जो कार्स के इंजन है काफ़ी स्मार्ट भी रहने लग गए हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।